अलकायदा ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। अलकायदा की तरफ से जारी एक ऑडियो में कहा गया है कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, नरेंद्र मोदी, ये सभी इस्लाम के दुश्मन हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री जिया लुइस ली द्रा की यात्रा से पहले भारत ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू जेट विमान खरीदने के लिए बातचीत इसी महीने शुरू होगी और अरबों डॉलर के इस सौदे को जितना जल्दी संभव हो अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एन श्रीनिवासन के समलैंगिक बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार की विरासत आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता श्रीनिवासन उनकी महिला के साथ शादी कराने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। सीताराम येचुरी ने कहा है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने को करों में छूट देने वाली मोदी सरकार की नीतियां कामयाब नहीं होगी क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता पैदा नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने पार्टी नेता कुमार विश्वास पर संगीन आरोप लगाया है। महिला ने दावा किया है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को नोटिस जारी कर एक मामले में 5 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। दरअसल महिला आप कार्यकर्ता ने कुमार विश्वास पर अवैध संबंधों की अफवाहों को खारिज नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि मीडिया के बहुत बड़े धड़े की आपको खत्म करने की साजिश है। चुनिंदा क्षेत्रों के शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 291 अंक मजबूत होकर 27,302.63 अंक पर पहुंच गया। अक्षय कुमार अपनी हालिया रिलीज फिल्म गब्बर इज बैक को मिल रही प्रतिक्रियाओं से खुश हैं। अक्षय ने कहा कि इतना प्यार उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। नेपाल भूकंप में मारे गए 57 विदेशियों में से 41 भारतीय हैं। इमारतों को जमींदोज और पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला ये भूकंप अपने पीछे तबाही और दर्द का एक भयानक मंजर छोड़ गया। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।